नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल। में हूं आपके साथ महेश जैन। मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान आज नीमच के मनासा विधानसभा में आने वाले। यहां पर देखा जाना है कि विधानसभा क्षेत्र में विकास को लेकर करोड़ों के विकास कार्यों की सौगातें मिलने वाली है। इसको लेकर यहां पूरी तरीके से तैयारियां चाक चौबंद दिखाई दे रही है। मनासा विधायक माधव मारू के नेतृत्व में लगातार देखा जा रहा था कि कई दिनों से तैयारियां चल रही थी, पांडाल सच कर तैयार है। आम जनता भी बेसब्री से मामा शिवराज का इंतजार कर रही है। और साथ ही साथ बता दें कि इस तरफ मिशन 2023 से विधानसभा चुनाव है, मतलब कहीं ना कहीं आज की सभा मनन सभा विधानसभा में भाजपा की मजबूती की तस्वीरें साफ करती दिखाई देगी। इस वक्त हमारे साथ में जानकारी के लिए मनासा विधायक माधव मारू में से बात करेंगे। विधायक जी, सीएम शिवराज सिंह चौहान कितनी बजे यहां पर पहुंचेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी लगभग 1:30 से 2 के बजे के बीच में यहां आ जाएंगे, जैसी मेरी उनसे आज चर्चा हुई। क्या सौगातें मनासा के लिए, आज क्या खास दिन बनने जा रहा है मनासा? मनासा के लिए पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 4,000 करोड़ रुपए हमारे को दिए हैं। विभिन्न योजनाओं पे काम चल रहा है, फ्लोर पे खाली घोषणाएं नहीं है, काम स्टार्ट सभी योजनाओं के हो चुके हैं। और आज जो मैं मांगने जा रहा हूँ, कोपरेश्वर के लिए एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज मांग रहा हूँ, मनासा के कॉलेज की बिल्डिंग, रामपुरा के एक कॉलेज की बिल्डिंग, और उसके अलावा हमारे कुछ ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे गाँव जहाँ अभी तक सड़कें नहीं पहुँची किसी योजना में, उन गाँवों को सड़क मार्ग से जोड़ने का मैं प्रस्ताव दे रहा हूँ। इसके साथ में मैं झरनेश्वर और केदारेश्वर दोनों हमारे टूरिस्ट प्लेस डेवलप करने के लिए मांग कर रहा हूँ कि पर्यटन स्थल घोषित करके इनको विकसित किया जाए। इसके अलावा भादवा माता आत्री माता एक सड़क, वो साथ में कोपरेश्वर से खड़ावदा होकर माला एड़ा और पर्दा की एक सड़क की मैं मांग रख रहा हूँ। ऐसी अनेक मांगे मैंने लगभग 78 पंचायतों के लिए सामुदायिक परिसर की मांग करी है एक साथ। क्या लगता है कितनी संख्या में सीएम, क्योंकि एक चुनावी मिशन 2023 भी चल रहा है, मतलब ये कहते हैं कि चुनावी मनासा विधानसभा में शंखनाद सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ से कर सकते हैं, विकास की बातें भी कर रहे हैं, तो कितनी संख्या में पब्लिक आने की संभावना है? लगभग 50,000 लोग तो निश्चित रूप से यहाँ होंगे। एक सवाल और करना चाहूंगा, आज की सभा है, दूसरी तरफ चर्चा है उम्मीदवार और दावेदार को लेकर भी चर्चा चल रही है, जिसमें माधव मारू का नाम ऑलरेडी आपको पता है चर्चाओं में ज्यादा रहता है। ऐसे में क्या मानते, सिंधिया गुट जब आया था और सरकार बनी थी तब भाजपा बहुत खुश हुए थे, लेकिन आज उस सिंधियाओं के जो नाम है, जो उनके समर्थक है, आज वो आपके कॉम्पिटिशन में खड़े हैं, उसको किस नजर से देखते हैं आप लोग? माननीय सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, उनका कोई अलग गुट नहीं है इस भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए हम इस आधार पर बात ही नहीं करते कि सिंधिया गुट गुट कहाँ, ये भाजपा है। उनके समर्थक जो है वो तो गुट बन चुका है ना, आप कहीं भी चले जाओ, चाहे जावत की बात करो, चाहे मनासा की बात करो, कहीं ना कहीं दावेदारी को लेकर एक गुटबाजी भाजपा की जो थी वो सिंधिया वर्सेस भाजपा के बीच होने लगी। अब उनके समर्थक भी भाजपा के हैं, सदस्य कार्यकर्ता हैं भाजपा के, और टिकट ऐसी चीज है जो कोई भी कार्यकर्ता मांग सकता है, पार्टी में अपनी बात रख सकता है, सबको अधिकार है टिकट मांगने का, इसके लिए कोई इनकार नहीं किसी का। लेकिन पार्टी परफॉर्मेंस देखकर, ग्राउंड रिपोर्ट देखकर, पार्टी लोकप्रियता देखकर और लड़ने की कैपेसिटी देखकर ही चुनाव में टिकट देती है। इस तरह से टिकट नहीं मिल जाया करते कि ये इनका खास है या उनका खास है, किसी की व्यक्तिगत रिकमेंड से भाजपा में टिकट नहीं मिलता है, ये सिर्फ संगठन करता है और सारे फिल्टर होने के बाद ही नाम सामने आता है कि कौन उम्मीदवार। आप जिस संगठन की बात कर रहे हैं, सत्ता और संगठन में कल की तस्वीरें आई थी जहां पर भाजपा जिलाध्यक्ष का नाम नहीं था, तो सत्ता और संगठन में नीमच या मनासा, नीमच हर जगह टकराव देखने को क्यों मिलता? आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं, ये मुख्यमंत्री जी का प्रोटोकॉल है, सीएम का प्रोटोकॉल है प्रदेश शासन का, जो संवैधानिक पद पर नहीं है, उनके प्रदेश के किसी कार्यक्रम के पत्थर पर नाम नहीं होता है। क्या जिलाध्यक्ष आयोजन में शामिल होंगे? निश्चित रूप से होंगे, क्यों नहीं होंगे, जिलाध्यक्ष जी का कार्यक्रम है। मिशन 2023 के मुद्दे क्या रहेंगे विधानसभा क्षेत्र में और जनता के बीच भाजपा क्या मुद्दे लेकर जा रही है? हम जिन मुद्दों पर काम कर रहे हैं हम उन्हीं कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। आज लाडली महीना को 1,000 रुपये मिल रहे हैं, कल 1,250 मिलेंगे, फिर 1,500 मिलेंगे, तो लगातार हम उन्हीं मुद्दों पर काम करने वाले हैं। जनहित के सभी मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और इकोनॉमिक दृष्टि से भी अपने क्षेत्र को मजबूत कर रही है। मैं मनासा में उद्योग धंधों को लेकर अगला काम शुरू करूंगा अगले टर्म में। मैं मनासा में एजुकेशन हब बनाना चाहता हूं एक बड़ा, तो इस तरह के नए काम हुए। अभी तक मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहा था, अब इंफ्रास्ट्रक्चर काम लगभग कंप्लीट होने में है, बहुत कम काम बचे हैं, तो अब मैं अगली योजना की, यहाँ बच्चों को बाहर पढ़ने नहीं जाना पड़े, यहाँ के बच्चे बाहर व्यवसाय कर, यही व्यवसाय करें, बाहर नौकरियाँ नहीं ढूंढे, मैं अब इस योजना पर काम करने वाला। लालू बिना को लेकर देखा जाए तो कांग्रेस भी अपना अपना वचन पत्र दे रही है, इसको किस नज़र से देखते हैं आप? कांग्रेस तो झूठ बोलने में माहिर है, पहले 2 लाख का झूठ बोला था, उन्होंने कहा था 4,000 रुपये भत्ता देंगे बेरोजगारों को, उन्हें संबल योजना सरी की बंद कर दी,
यहाँ तक कि अंत्येष्टि सहायता, व्यक्ति मर जाता है उसके बाद 5000 रुपये लकड़ी के उसके दाह संस्कार के लिए पैसा दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी, वो तक बंद कर दिए इनने। आप कल्पना करें कि जो इतना बड़ा झूठ कर बोल सकते हैं, उनने न कर्जा माफ किया, न बेरोजगारों को भत्ता दिया, संबल योजनाएं बंद कर दी, और उसके बाद कह रहे हैं कि हम 1500 देंगे, तो 1500 तो अगले 6 महीने में वैसे भी हो जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी कर देंगे। मनासा के क्षेत्र में काफी चर्चाएं चलती है कि विधानसभा के लिए अगर माधव मारू की जगह दूसरा नाम आता है तो उम्मीदवार कोई है ही नहीं है, मतलब मनासा माधव मारू अगर टिकट से जाते हैं तो सरकार कांग्रेस की बन जाएगी, इसको किस हद तक आप मानते हैं? मैं आपका प्रश्न समझा नहीं, फिर से इसको बोलना पड़ेगा। मनासा विधानसभा में माधव मारू का दबदबा है, जब पार्टी से नहीं थे तो भी एक अलग से वोट बैंक लेके चलते हैं, और सत्ता में आने के बाद तो उन्होंने अपना एक अलग ही दबदबा बना लिया है। अगर ऐसे में पार्टी टिकट चेंज करती है तो मनासा विधानसभा की सीट भाजपा को खोनी पड़ सकती है, आप इसको किस हद तक सही मानते और किस नजरे से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी संगठन जिसको चुनाव लड़ाएगा वो मनासा से चुनाव जीत के जाएगा। माधव मारू निर्दलीय लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? मैं कैसी कोई हरकत करने वाला नहीं हूँ, न मेरे को कोई शौक है, एक संकल्प था मेरा विधानसभा में जाकर काम करने का, इस क्षेत्र के लिए विकास करने का, मैं अपना संकल्प पूरा कर चुका हूँ। प्रदेश में चुनाव होंगे, मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह होंगे, नरोत्तम होंगे, ये गुटबाजी ऊपर चल रही है, किस चेहरे पे चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी में कमल का फूल चुनाव लड़ता है, और कमल का फूल ही नेतृत्व करता है, और कमल का फूल ही मुख्यमंत्री होगा। कितनी तादाद में, लास्ट सवाल अंतिम करना चाहूंगा, क्या उम्मीद है कितनी तादाद में आज सभा की तस्वीरें क्या कुछ कहेगी? आंकड़े ऐसे होंगे जो आश्चर्यजनक होंगे, जो मेरी और आपकी कल्पना में भी नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। ये थे हमारे साथ में मनासा विधानसभा के जो विधायक है माधव मारू, आज की तस्वीरें सभा में साफ कर देगी कि मनासा विधानसभा में जो लगातार विरोधाभास की बातें चलती है, माधव मारू का कितना दबदबा है, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा पीछे पांडाल देख लीजिए, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर हजारों की तादाद में कुर्सियां लगाई गई है, पांडाल सच का तैयार हो चुका है। प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान आज मनासा की धरती दशहरा मैदान पर पहुंचेंगे, जहां पर विकास को लेकर कई सौगातें मिलेगी, इसको लेकर लगातार विधायक से लगाकर कलेक्टर एसपी यहां पर मौका स्थल पर आकर निरीक्षण कर रहे, तैयारियां की जा रही है। 2 बजे हेलीपैड के माध्यम से भोपाल से सीएम शिवराज सिंह चौहान रवाना होंगे, जो 3 बजे यहां पर मनासा की धरती पर पहुंचेंगे, यहां पर रोड शो भी किया जाएगा, और उम्मीद जताई जा रही है कि भारी संख्या में, ऐतिहासिक मनासा विधायक ने दावा करा है कि भारी संख्या में रिकॉर्ड और जनता आज सीएम की सभा में उभरेगी, और कहीं कहीं विकास कार्यों को लेकर एक विश्वास जताएगी, आगामी विधानसभा चुनाव के परिणाम आज से ही तय होते दिखाई देंगे।